नमस्कार, मैं हूं पूनम जैन। आप देख रहे हैं एमकेएन न्यूज। आइए आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवाते हैं जिसे आप भी जानकर हैरान होंगे। जी हां, दरअसल महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी इंटीग्रेटेड डिवीजन में करोड़ों की गड़बड़ी की गई है। दरअसल सरकारी कामों में गड़बड़ी होने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग घोटालों में लिप्त है। यहां पर कंस्ट्रक्शन काम और मेंटेनेंस के लिए जो मटेरियल यूज होता है उसके बिल तो बनाए जा रहे हैं, वो भी फर्जी। इसके साथ ही एक नहीं बल्कि दो दो बिल बनाए जा रहे हैं। साथ ही सामान का कहां उपयोग हो रहा है इसकी तक जानकारी नहीं है। ऐसे में साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी घोटाले करने में मगन है। विस्तार से जानिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी इंटीग्रेटेड डिवीजन में करोड़ों की गड़बड़ी। सरकारी कामों में गड़बड़ी की बात आई सामने। घोटालों में लिप्त है पीडब्ल्यूडी विभाग। मटेरियल यूज के बिल तो हो रहे हैं अदा, लेकिन सामान कहां हो रहा है उपयोग ये किसे पता। सामाजिक कार्यकर्ता श्री आर यादव ने लगाए आरोप। मेंटेनेंस के नाम पर फर्जी बिल हो रहे हैं अदा। एक ही काम के बन रहे दो दो बिल। करोड़ों का गबन कर रहे कार्यकारी अभियंता और जूनियर इंजीनियर। लाखों का बताया जा रहा है खर्च। जांच कराए जाने के बजाय घोटालों में माहिर है जिम्मेदार। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी विभाग इंटीग्रेटेड डिवीजन कुलाबा में करोड़ों रुपए दुरुस्ती सुधारना और निर्माणाधीन कामों में गड़बड़ी। करोड़ों का गबन, सुधारना, मानसून पूर्व दुरुस्ती एवं नवीनतम व अनेक कामों में फर्जी बिल अदा किए गए हैं। इस विभाग में सरकारी इमारत जैसे बांध काम भवन, जे अस्पताल, भाई रामजी चौल, भाई मोटालाल, भाई बिल्डिंग, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज, सर्वेंट क्वार्टर्स, आरएमओ क्वार्टर्स, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल, कामा अस्पताल, अपना बॉयज हॉस्टल के रखरखाव में मेंटेनेंस का काम किया जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि काम न करते हुए अनेक कामों में बिल अदा किए गए हैं। इतना ही नहीं, एक ही कामों के दो दो बिल अदा किए गए और मानसून पूर्व का काम बताकर करोड़ों रुपए का गबन कार्यकारी अभियंता जूनियर इंजीनियर द्वारा किया गया है। यह आरोप सामाजिक कार्यकर्ता श्री आर यादव ने लगाया है। वहीं आपको बताते चलें कि अधिकतर मेंटेनेंस के नाम पर अनेक एजेंसियों को काम बताकर अपने ठेकेदारों को काम दिया गया है। सप्लायर एजेंसी के नाम पर बार बार वही सामान की खरीदी बताई गई है जिसमें सर्व स्टॉक, क्वार्टर्स टाइप 1, कामा हॉस्पिटल, बॉयज हॉस्टल रूम, जे हॉस्पिटल, प्रीमाइसिस रिनोवेशन, पासी वार्ड बिल्डिंग, जे अस्पताल रिपेयर्स एंड प्री मॉनसून रिपेयर्स, वाटर टैंक, पाइपलाइन कामों के बिल अदा किए गए। ग्रांट मेडिकल कॉलेज सप्लाई के टेंडर में हार्डवेयर, अप्लाई फ्लोर टाइल्स, एसी शीट, जीआई पाइप, फर्नीचर आदि पर लाखों का खर्च बताया गया है, लेकिन कोई भी काम नहीं किया गया। विभाग में ओल्ड जॉब बताकर इसका भुगतान किया गया, लेकिन वास्तविक तौर पर कोई काम पूरा नहीं किया गया। वही इस विभाग में एक ही अधिकारी सालों से कार्यरत है। वही सामाजिक कार्यकर्ता श्री आर यादव द्वारा विभाग के सभी कामों की थर्ड पार्टी जैसे कि आईआईटी मुंबई की तरफ से गुणवत्ता की और कामों की जांच कराने की बात कही गई है। वही विभाग के कार्यकारी अभियंता, उप अभियंता, इनकी भी संपत्ति की जांच कराए जाने की बात कही गई है, लेकिन जांच कराए जाने के बजाय जिम्मेदार करोड़ों के घोटाले करने में माहिर है। एमकेएन न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। तो आपने रिपोर्ट में जाना कि पीडब्ल्यूडी विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। अधिकारी जिम्मेदारी निभाने के बजाय खुद के ऐश के लिए घोटाला करने की जिम्मेदारी जरूर निभा रहे हैं, लेकिन कब तक ये बड़ा सवाल है। जांच के लिए नींद में सोए अधिकारी कब जागेंगे और कब हर एक घोटाले का पर्दाफाश होगा,
खैर, शहर की हर खबर जानने के लिए बने रहिए, देखते रहिए एमकेएन न्यूज़। नमस्कार।